वेलकम बैक व्यूअर्स टू आवर चैनल। आज की वीडियो रिलेटेड है एमसेंट ब्राउज़र की एक प्रॉब्लम से। अगर आपको भी एमसेंट ब्राउज़र में लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है, जब भी आप इस ऐप में लॉगिन करने की ट्राई कर रहे हो तो आपके लॉगिन नहीं हो पा रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए आज की वीडियो में बताऊँगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। दरअसल ऐप में कुछ कभी कभी ग्लिच आ जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है, तो आज की वीडियो में इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमें अपना प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने ऐप को सर्च कर लेना है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसको सर्च करने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। अगर अपडेट का ऑप्शन दिखेगा तो अपडेट कर लीजिएगा। बाई चांस अपडेट का ऑप्शन ना दिखे तो एक बार अनइंस्टॉल कर लेना अपने ऐप को और उसको फिर से इंस्टॉल करना है, जैसे यहाँ पे मैं करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपने डिवाइस की सेटिंग पे आ जाना है। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे फिर आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन होंगे, तो सिंपली सेटिंग पे क्लिक करते हैं और सेटिंग को ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सेटिंग को ओपन करता हूँ तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का, तो सिंपल क्लिक कर देना है कनेक्शन एंड शेयरिंग पे। तो कनेक्शन एंड शेयरिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है इसमें स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का, इस पर क्लिक कर देना है। क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट सेटिंग का, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है यहाँ से। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये कुछ टाइम लेगा रीसेट होने के लिए, तो आपको वेट करना है और इसको रीसेट होने देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हमें यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ से मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, तो ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थ्री डॉट्स देखेंगे हमें, सॉरी पहले मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। मैनेज ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें थ्री डॉट्स देखेंगे और इन पे क्लिक करना है। और इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसेट ऐप प्रेफरेंसेस कर देना है और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।